प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है। ईडी ने उन्हें 3 नवंबर गुरुवार को 11:30 कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक सीएम के करीबी पंकज मिश्रा के घर से छापेमारी के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और हस्ताक्षर की हुई चेक बुक मिली थी। इसी के सिलसिले में ईडी ने उन्हें समन किया है। ईडी को सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साहिबगंज स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान एक लिफाफा मिला था। बताया जाता है कि इसमें मुख्यमंत्री के बैंक खाते से जुड़ा चेकबुक था। दो चेकबुक में मुख्यमंत्री का साइन मिलने की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान ईडी को उसके घर की आलमारी से 2 AK-47 राइफल और 60 गोलियां मिली थी। बताया जाता है कि ये हथियार जिन दो कांस्टेबल के थे वे मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात थे। इसके साथ ही हाल ही में खुलासा हुआ कि न्यायिक हिरासत में रिम्स में इलाज के दौरान पंकज मिश्रा लगातार अधिकारियों के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक जांच में ईडी को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री का नाम लेकर अधिकारियों को हड़काता था। ईडी ने पीएमएलआई कोर्ट के सामने 16 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल का बयान भी दर्ज किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री से इन सभी मुद्दों से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही ईडी कुछ बड़े अफसरों को भी नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकता है। पिछले दिनों गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ के दौरान इन अफसरों के नाम सामने आए थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।